नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिस्टी इंडिटेक पर स्वागत है। और मेरा नाम है देव असलुनिया और आज हम दोबारा इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपको फिल्मोरा एक्स और प्रीमियर प्रो में से कोई एक डाउनलोड करना है तो आपके लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स अभी नोट किए हैं अपनी नोटबुक में जो मैं आपको अभी बताऊंगा और दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि जो आपका ये फिल्मोरा है ये ज़्यादा अच्छा है या फिर आपका जो प्रीमियर प्रो है ये ज़्यादा अच्छा है। तो मैं दोनों चीज़ों के बारे में अभी आपको डिस्कस करूंगा और आपसे बताऊंगा कि आपको दोनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए। आपकी जो सबसे पहली बात आती है रिक्वायरमेंट, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस चीज़ की एडिटिंग करना चाहते हो और क्या आपके लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन है और क्या इन दोनों सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग रहेगी। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें और एक भी स्टेप मिस ना करें ताकि अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर यूज़ करना है और डाउनलोड करना है, अगर आप कोई बिगेनर हैं या फिर आपको बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस है तो आपके लिए इन दोनों में से कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आज इस वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो ये है कि एडिटिंग। अब आप बोलोगे कि एडिटिंग, एडिटिंग का मतलब मेरा ये है कि आपको एडिटिंग में किस तरह की एडिटिंग करनी है। आपको एक सिंपल वीडियो बनानी है, जैसे अभी मैं बैठा हूँ एक नॉर्मल बैकग्राउंड के साथ, ऐसी वीडियो बनानी है, या आपको कोई सिनेमैटिक वीडियो बनानी है, या आप कोई गाना शूट कर रहे हैं, या फिर आप एक बिगिनर हैं, या फिर आपको बहुत अच्छा ही वीडियो एडिटिंग का एक्सपीरियंस है, तो वो सब चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप एक बिगिनर हो और आपने पहली बार वीडियो एडिटिंग शुरू करनी है या आपने आज तक पहले कभी वीडियो एडिटिंग की नहीं है तो फिल्मोरा एक्स या फिल्मोरा 9 जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिल्मोरा प्रो जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। ये सॉफ्टवेयर जो है ये बेसिक है और बिगिनर के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आपको यूज़ करना है एज ए बिगिनर तो आपके लिए फिल्मोरा बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और आप उसको बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर सकते हो और आपको बहुत जल्दी आसानी से वो समझ भी आ जाएगा क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है और उसके जो स्टेप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको एक बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करनी, बहुत बहुत अच्छी, और आपको सिनेमैटिक ट्रांजिशंस या फिर वीडियो कटिंग या फिर उसके और एक आपके अंदर एक अच्छी स्किल है वीडियो एडिटिंग करने की और आपको पहले से वीडियो एडिटिंग के बारे में पता है तो आपको डेफिनेटली प्रीमियर प्रो पे जाना चाहिए क्योंकि वो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर जो इफेक्ट्स हैं और जो स्टेप्स हैं उसके अंदर जो आप वीडियो एडिट करोगे तो उसके अंदर आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे वीडियो का एडिट करने के। लेकिन उसके लिए मेन बात यह है कि आपको वीडियो एडिटिंग के बारे में पता होना चाहिए पहले से, और अगर आप एक बिगिनर है तो आपके लिए फिल्मोरा अच्छा है। अब आते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ की वीडियो एक्सपोर्ट। जो वीडियो एक्सपोर्ट है वो किसके अंदर ज़्यादा अच्छी होती है? वैसे तो जो दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं वीडियो को एक्सपोर्ट करने के, जैसे वीडियो 1080p 320 4K और आपको AVI में 3GP में, इन सब में वीडियो कैसे एक्सपोर्ट होती है आपको आगे जाके पता लगेगा जब आप जाओगे और हो सकता है आपको पहले से पता भी हो। तो फिल्मोरा के अंदर ऑप्शंस कम है और प्रीमियर प्रो के अंदर ऑप्शंस ज़्यादा है। अगर आपको वीडियो एक्सपोर्ट करनी है तो प्रीमियर प्रो के अंदर इवन 3GP में भी वीडियो एक्सपोर्ट हो सकती है जो कि फिल्मोरा एक्स के अंदर मेरे को ऑप्शन देखने को नहीं मिला। उसके अलावा अगर आप प्रीमियर प्रो में वीडियो एक्सपोर्ट करोगे तो उसके अंदर आपको अलग अलग 4K में वीडियो एडिट करनी है, और अगर आप प्रीमियर प्रो के अंदर वीडियो एक्सपोर्ट करोगे तो आपको उसके अंदर और ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कि आपको अगर ट्विटर के लिए वीडियो एक्सपोर्ट करनी है तो ट्विटर के अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको यूट्यूब के लिए वीडियो एक्सपोर्ट करनी है तो उसके आपको अलग से करनी है तो उसके आपको अलग से ऑप्शन मिलेंगे। फेसबुक के लिए एक्सपोर्ट करनी है तो उसके सबके प्रीमियर प्रो के अंदर अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनसे आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसी के बीच में आप लोगों को बताता हूँ कि वैसे तो प्रीमियर प्रो एक पेड सॉफ्टवेयर है। अब जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो आपका लैपटॉप है या आपका जो कंप्यूटर है उस पे अगर आपको फिल्मोरा या प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर चलाना है तो आपके सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। जैसे आप पबजी खेलते हो तो अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स कार्ड और अच्छे से अच्छा अगर प्रोसेसर होता है तो आपका जो पबजी हो और ज़्यादा अच्छा चलता है। उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही हैं। जो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए ग्राफिक्स मायने रखता है, रैम मायने रखती है और हार्ड डिस्क, सारी चीज़ें मायने रखती हैं, तभी जाके एक अच्छी वीडियो एडिटिंग हो सकती है बिना किसी लैग के। तो दोनों जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें अगर आप फिल्मोरा की बात करो तो फिल्मोरा के अंदर आप विंडो 8 से शुरू कर सकते हो। वहीं जब आप प्रीमियर प्रो की बात करो तो प्रीमियर प्रो के अंदर आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर विंडो 10 मिनिमम होनी चाहिए। और वहीं अगर आप प्रीमियर प्रो को मैकबुक के ऊपर यूज कर रहे हो तो मैकबुक के अंदर सॉफ्टवेयर हो मिनिमम 10.13 होना चाहिए दोनों वर्जन्स के लिए, फिल्मोरा के लिए भी और प्रीमियर प्रो के लिए भी। उसके बाद बात आती है प्रोसेसर की। प्रोसेसर अगर आप फिल्मोरा यूज करें तो आपका i3 i5 i7 सारे प्रोसेसर से वो चल जाएगा आसानी से, उसमें कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है, वो
छोटा सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो से, तो आसानी से चल जाता है। वहीं अगर आप प्रीमियर प्रो यूज करते हो तो उसके अंदर आपको ग्राफिक्स कार्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। इंटेल का कोई भी आपका i5 से ऊपर का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। ये उसके अलावा आप इंटेल का 6th जनरेशन का कोई भी प्रोसेसर यूज कर सकते हो, उससे आपके लैपटॉप की जो स्पीड है वो अच्छे से काम करेगी। और अब अगर हम हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो हार्ड डिस्क हमारी जो है फिल्मोरा के केस में आपकी जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर मिनिमम 1.5 GB का स्पेस बाकी होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो के बारे में बात करो तो मिनिमम 12 GB स्पेस या 8 GB स्पेस आपके लैपटॉप के या कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में होना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर पाओगे, वरना वो काम ही नहीं करेगा। वैसे तो कम से कम 30-40 GB स्पेस आपको मिनिमम फ्री रखना चाहिए, तभी आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो अच्छे से काम करेगा। अदरवाइज आपके लैपटॉप में मिनिमम से मिनिमम अगर आपको एक्सपोर्ट करनी है तो 8 GB का स्पेस आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए, तभी जाके आप प्रीमियर प्रो को यूज कर पाओगे और वीडियो एक्सपोर्ट कर पाओगे। उसके बाद बात आती है रैम की, कि रैम आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर कितनी चाहिए। तो अगर आपको फिल्मोरा यूज करना है तो आपके लैपटॉप के अंदर मिनिमम 4 GB की रैम होनी चाहिए। वैसे वो रिकमेंड करते हैं कि आपके लैपटॉप के अंदर 8 GB की रैम होनी चाहिए। वहीं अगर हम प्रीमियर प्रो के बारे में बात करें तो 8 GB की रैम उनके लिए मिनिमम है, और वो रिकमेंड करते हैं कि आपको 16 GB की रैम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर यूज करनी चाहिए। हाँ, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपको अच्छे से यूज करना है तो आपको इतनी रैम यूज करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो जो आपका इंटेल का 5000 है या उससे ऊपर का कोई भी इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड है वो आप फिल्मोरा के केस में यूज कर सकते हो। उसके अलावा एनवीडिया का G7X ग्राफिक्स कार्ड है वो यूज कर सकते हो, और AMD का रेडोन 5240 जो है वो यूज कर सकते हो, और वो मिनिमम 2 GB का आपका होना चाहिए। वहीं अगर आप प्रीमियर प्रो की बात करो तो वो ग्राफिक्स कार्ड जो है वो 4 GB का आपका होना चाहिए, तभी अच्छे से चलेगा। और GeForce का G7X 970 जो है वो यूज कर सकते हो। उसके अलावा AMD का रेडोन जो है उसका R9 290 आप यूज कर सकते हो, और आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो मिनिमम 2 GB का होना चाहिए, और अगर आपको अच्छे से यूज करना है तो मिनिमम 4 GB का होना चाहिए। उसके बाद एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे आपको ये सॉफ्टवेयर यूज करनी है तो स्क्रीन कितनी चाहिए। अब आप बोलोगे स्क्रीन से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हो तो आपको पता होगा कि एक सिंगल स्क्रीन पे वीडियो एडिट करने में, दो स्क्रीन पे वीडियो एडिट करने में काफ़ी फर्क रहता है। तो अगर आप फिल्मोरा को यूज करोगे तो आप उसको एक स्क्रीन में आसानी से यूज कर लोगे, लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो को यूज करना चाहते हो एक स्क्रीन में तो आपको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से यूज करना होगा, क्योंकि प्रीमियर प्रो ऐसा सॉफ्टवेयर है उसके लिए अगर 3 या 4 स्क्रीन यूज करोगे तब वो बहुत अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से प्रीमियर प्रो यूज करना है तो आप कोशिश करें कि आपके पास 2 स्क्रीन हो। अगर 2 स्क्रीन नहीं है तो सिंगल स्क्रीन में आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करके ही आपका वो सॉफ्टवेयर काम करेगा, वरना आपको 2 स्क्रीन होनी चाहिए। क्या ऊपर आपकी वो एडिटिंग चलती रहेगी, एक के ऊपर आप उसको स्क्रीन में यूज कर देख सकते हो कि क्या आपकी वीडियो में एडिटिंग हुई है और क्या क्या चला है, क्योंकि जो स्पेस है और जो टूल्स हैं प्रीमियर प्रो के वो बहुत ज़्यादा है, तो स्क्रीन है वो टूल से घिर जाती है और आपको देखने के लिए एक छोटी सी स्क्रीन मिलती है, तो उसमें आप ज़्यादा कुछ देख नहीं पाते। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप 2 स्क्रीन को यूज कीजिए और अच्छे से वीडियो एडिटिंग का मजा लीजिए। उसके बाद आने में बात आती है प्राइसिंग की, कि प्राइसिंग क्या होनी चाहिए और किसकी प्राइसिंग कितनी है, आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है, और आप उसके बाद डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो जो आपका फिल्मोरा है, फिल्मोरा की जो ट्रायल है, सबसे पहली बात तो ट्रायल की आती है कि जो फिल्मोरा उसके अंदर 30 डेज का ट्रायल मिलता है आपको। अगर आप क्रेडिट कार्ड से उसके अंदर डाटा डाल दोगे तो आपको 30 दिन का ट्रायल मिलता है, वहीं प्रीमियर प्रो में कोई ट्रायल नहीं मिलता है। उसके बाद अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन की बात करो तो आप जो फिल्मोरा है उसके अंदर कोई मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, जबकि प्रीमियर प्रो के अंदर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन मिलेगा $32 का जो है वो इसके अप्रोक्स आता है सब्सक्रिप्शन, वो आप यूज कर सकते हो। लेके ईयरली सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो फिल्मोरा के अंदर ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो आपका $90 के समथिंग है, और प्रीमियर प्रो के केस में वो 240 हो जाता है। और अगर आप लाइफ टाइम इनको परचेज करना चाहते हो तो जो फिल्मोरा है उसको आप $150 के समथिंग परचेज कर सकते हो, और प्रीमियर प्रो को अगर आपको परचेज करना है तो आपके लिए क्रॉस है, क्योंकि प्रीमियर प्रो में कोई लाइफ टाइम परचेज नहीं है, आप उसको बाई कर सकते हो, रेंट कर सकते हो ईयरली के हिसाब से या मंथली के हिसाब से। लेकिन एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों की क्या ज़रूरत है अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर फ्री में मिल जाए तो।
वैसे तो मैंने इसकी एक वीडियो डाल रखी है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये वीडियो कब तक ये यूट्यूब के ऊपर रहेगी, क्योंकि प्रीमियर प्रो से मेरे को एक बार पहले भी स्ट्राइक आई थी। आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। आप इस वीडियो के लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में, या मैंने इसके कमेंट में लिंक टैग कर रखा, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे इस वीडियो में या उस वीडियो में किसी वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा अभी इसको डाउनलोड करने में। ये सॉफ्टवेयर जो है ये मैं बिल्कुल आपको फ्री में बता रहा हूँ, आप फ्री में इनको डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। और मैंने आपको सारी स्पेसिफिकेशन बता दिया कि आप किस किस को यूज करके क्या क्या कर सकते हो, किसके लिए अच्छा सॉफ्टवेयर रहेगा और किसके लिए अच्छा नहीं रहेगा, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से या आपको कितने सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है उसके हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हो। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।